बेटियों को अपनी एफआईआर के लिए भी धरना देना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के बाद एफआईआर हो, तो कहाँ सोना पहन के घूम रही हैं, कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप लगा सकते। देश के लोगों की बात नहीं सुनोगे तो देश का संविधान अपनी बात के लिए संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन करने का, संघर्ष करने का अधिकार देता है, वो अधिकारों का प्रयोग कर अपना। तो मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जिस थाने में, जिस जगह इन्होंने कंप्लेंट की थी, उस थानेदार ने, उस एसएचओ ने अगर एफआईआर नहीं करी तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ये डायरेक्शन देनी चाहिए। और ऐसे मामले में पूरे देश को जाम करने की जरूरत है, पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है, हर जगह आंदोलन हो तब जाके बात बनेगी। इसलिए केंद्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें बेईमानी होती है, पीछे भी हुई है, आगे भी होगी अगर ईवीएम रहेगी तो। अपने आप भी तो बेटी ही हो ना, आप भी बेटी ही हो ना, अपनी आंखों से देखो। अगर बेटियों को अपनी एफआईआर के लिए भी धरना देना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के बाद एफआईआर हो, तो कहाँ सोना पहन के घूम रही हैं, कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। आरोप तो लगा रहे कि कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। कौन? उसके अलावा उनके पास है क्या? हर बात में विपक्ष, हर बात में पाकिस्तान, उनके पास है क्या बेचारे? और कुछ नहीं, राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है। क्यों नहीं होना चाहिए? बीजेपी ने प्रदर्शन नहीं किया क्या कभी? हर बात में बीजेपी प्रदर्शन करती थी, कर रही है अभी भी, तो क्यों नहीं होंगे प्रदर्शन? अगर आप देश के लोगों की बात नहीं सुनोगे तो देश का संविधान अपनी बात के लिए संवैधानिक तौर पर प्रदर्शन करने का, संघर्ष करने का अधिकार देता है, वो अधिकारों का प्रयोग कर रहे अपना, इसलिए कर रहे हैं। राजनीति चमकाने कौन कर रहे हैं? तो ओ, अपनी राजनीति चमकाने आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम भी चमका लो ऐसी, अगर तुम चमका सकते हो तो। ये बहुत घटिया स्तर की बातें हैं, इनका जवाब देना भी मैं ठीक नहीं समझता। जो पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी लगभग 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद लिखी, तो ऐसा क्या कोई नियम है कि पुलिस एफआईआर पहले पूरा इन्वेस्टिगेट कर लेती फिर? नहीं नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है। दो तरह के अपराध होते हैं, संज्ञेय अपराध यानी गंभीर अपराध, और असंज्ञेय अपराध यानी छोटे मोटे अपराध। ये अपराध सेक्सुअल ऑफेंस का संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसे ही कंप्लेंट आएगी आपको एफआईआर करनी पड़ेगी, और एफआईआर करके आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, इंक्वायरी नहीं करनी है एफआईआर करने से पहले। इंक्वायरी आप केवल उनमें कर सकते हो जो छोटे मोटे मामले हैं और लगता है, और वो भी आपको 7 दिन के अंदर अंदर करके खत्म करनी होगी, उसके बाद आपको एफआईआर करनी होगी। तो आप नहीं, तो नहीं की सरकार के दबाव में नहीं की, या दिल्ली पुलिस कानून से अपने आप को ऊपर समझती है? अगर ऐसा है तो मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जिस थाने में, जिस जगह इन्होंने कंप्लेंट की थी, उस थानेदार ने, उस एसएचओ ने अगर एफआईआर नहीं करी तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, ये डायरेक्शन देनी चाहिए। नहीं, मैं तो जानता हूं इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, आप मिलने की क्या बात कर रहे हो? हम तो 13 महीने आंदोलन किया किसान आंदोलन में, जो टेनी गृह राज्य मंत्री है उसके लड़के ने किस तरह से किसानों को कुचला, क्या टेनी का कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया, ना उसने इस्तीफा दिया, ना उसके खिलाफ कोई काम हुआ। तो ये भी तो वही है, कहाँ से होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, जनता अगर देश की पूरी खड़ी हो जाएगी शायद कुछ हो जाए। बहुत अच्छी बात है, बधाई जनता को, आप भी दो, और भी अभी बड़े आंदोलन की जरूरत है, और ऐसे मामले में पूरे देश को जाम करने की जरूरत है, पूरे देश में आंदोलन की जरूरत है, हर जगह आंदोलन हो तब जाके बात बनेगी। कौन से? वो तो ईवीएम से जीतती है यार, इस आंदोलन की वजह से ईवीएम से जीतती है यार। आप पत्रकार हो, फिर उन्हें पूछने दो पत्रकारों को। निश्चित रूप से ईवीएम में गड़बड़ी है, इसीलिए जीतती है सरकार, नहीं तो जीत ही नहीं सकती सरकार। कौन कौन कहता है विपक्ष की जीतने पर कहा जाता है कि भाई वहां से जीत गए? केंद्र का जब चुनाव होता है, लोकसभा का जो चुनाव होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, केंद्र के पास पावर ज्यादा है, राज्य के पास नहीं। मोदी जी जो आज कर रहे हैं, अगर ये गुजरात के मुख्यमंत्री होते तो कर पाते क्या? नहीं कर पाते ना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री इसलिए कर पा रहे हैं। इसलिए केंद्र का चुनाव, लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, उसमें बेईमानी होती है, पीछे भी हुई है, आगे भी होगी अगर ईवीएम रहेगी तो। एक ही राज्य के लोग यहाँ पर हैं, सिर्फ हरियाणा के। कौन कह रहा है यार, मैं यूपी से हूँ, क्या बात कर रहे हो आप?
यूपी से कितने तराई के क्षेत्र के कितने लोग बैठे हैं, देखो किसान, बिहार से लोग बैठे हैं, पंजाब से आए हुए लोग बैठे हैं, आप देखो ना कैमरा ले जाके, वहां जाके देखो यार, दिखाओ सबको कहाँ के, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएंगे लोगों को बात पता लगेगी भाई, धीरे धीरे बात पता लग रही है ना, आ जाएंगे लोग बाग धीरे धीरे।